नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उन वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है एक बार फिर आप हमें वही प्यार देंगे और उसी जो है प्यार से नवाजेंगे। गंगो में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ हमने सोचा कि यहाँ आज फिर एक बार चर्चा कर ली जाए। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। अब से पहले जो वीडियो आपने देखी, उसमें आपने हमजा नोमान मसूद, पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद के सुपुत्र हैं, उनकी वीडियो आपने देखी। उसे उस वीडियो के बाद फिर हमने वीडियो आपको दिखाई हाजी सलीम कुरैशी की। ये वो शख्स हैं जो नगर पालिका परिषद गंगो से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जब तारीखों का ऐलान होगा तो एक नया जो है बिगुल फूकेगा और सब लोग मैदान में आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, सबकी नज़र इस पर है। क्षेत्र आसपास के गांव में भी, हालांकि चुनाव निकाय है, लेकिन देहात की नज़र भी इसी बात पर है कि गंगो में अब की बार क्या होगा। क्या यहां उसी परिवार का वर्चस्व कायम रहेगा या फिर उसमें कोई बदलाव होगा, ये भी बड़ी बात है। साथ ही साथ जिस तरह से कई चुनाव लड़ चुके हाजी सलीम कुरैशी, क्या वो नया गुल खिलाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र और राज्य में अपनी सरकार चला रही है, क्या इस निकाय चुनाव में भी सरकार का जो है डंका बजेगा, ये भी बड़ी बात होगी। एक बहुत ही सीनियर जो कह सकते हैं आप, मौजूदा सभासद, नॉमिनेट सभासद भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना एक अलग उनका मकाम है। बीच बीच में जब भी पार्टी के जो भी प्रोग्राम होते हैं, आपने उनको बखूबी देखा होगा। और जिस तरह से गंगो के अंदर उनकी छवि है और गंगो नगरवासी जिस तरह से उनको एक प्यार भरी नज़र से देख रहे हैं, तो हो सकता है आने वाला भविष्य भी उनके जो है उनके अंदर देखने को मिले। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौजूदा सभासद नीरज अग्रवाल जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद गंगो को लेकर अध्यक्ष पद के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस नाम की भी चर्चा इस वक्त नगर के अंदर जोरों पर है। तो हमने सोचा कुछ सवाल आज उनसे भी कर लिए जाएं, किस तरह की आपकी तैयारी है। सबसे पहले अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसराइल भाई, आपने आज अग्रवाल जी मेरे घर पहला सवाल निकाय चुनाव को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस तरह की है। हर एक छोटे से छोटे चुनाव में भी पार्टी पूरी जान फूंकती है, निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की, क्योंकि आप अन्य पदों पर रह चुके हैं, अनेक पदों पर रहे, तो संगठन की किस तरह की रणनीति, किस तरह की चर्चाएं, किस तरह से जो है तैयारी चल रही है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सब कार्यकर्ताओं को मतदाता वोट बनवाने के अभियान में लगाया गया है। हमें सिर्फ ये आदेश है कि अपने प्रत्येक व्यक्ति का वोट बने और गलत व्यक्ति का वोट कटे। तो अभी तो हम सभी कार्यकर्ता बंधु इस काम में लगे हुए हैं। आगामी जो रणनीति पार्टी की होगी, जो आदेश होगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। अग्रवाल जी, थोड़ा पीछे जाते हैं, आप कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, कैसे जो है इस पार्टी को जो है आपने समय दिया, क्योंकि आप एक कारोबारी भी हैं, साथ ही साथ आप समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, जैसा कि हमने नगर से सुना। तो कब से इस पार्टी से लगाव है, कितने दिन से आपके पिताजी का रहा या आपका लगाव है, कैसे है आपने तैयारी जो है की? मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे पिताजी का राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अच्छा। मेरे बड़े ताऊ जी किशन चंद अग्रवाल जी, वो जनसंघ में रहे, उससे पहले हिंदू महासभा में रहे, तो मेरा ज़्यादा समय अपने ताऊजी के साथ बीता है और उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि मैं आज यहाँ तक हूँ। जहाँ तक पार्टी से जुड़ने का सवाल है, तो जब से होश आई होगी तब से इसी में है। कभी कोई राजनीतिक दल बदला नहीं, पार्टी की सेवा में है। तो पार्टी में हैं तो पार्टी ने आपको उसका इनाम भी बीच बीच में दिया होगा, संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियों से आपको नवाजा होगा, किस तरह से जिम्मेदारियां मिली और कैसे उनको आगे बढ़ाया? देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता मोर्चा का नगर अध्यक्ष बना जी, लगभग 1990 की बात है। अच्छा जी। और लगातार मैं अध्यक्ष रहा उसका। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना। उसके बाद पार्टी ने मुझे
सदस्यता प्रमुख की जिम्मेदारी दी। हमारे यहाँ ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सदस्यता प्रमुख की। सदस्य अभियान जो चलता है जी, उसकी प्रमुख बनाया गया नगर का। उसके बाद दो साल बाद लगभग 3 साल बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष, लगातार 2 टर्म मैं नगर अध्यक्ष रहा। और जहाँ तक पारितोषिक की बात है पार्टी की, तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि आज हम जिस मुकाम पे भी हैं या लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं, तो आप लोग फील्ड में काम करते हैं ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, ये पार्टी का ही आशीर्वाद है। मौजूदा स्थिति किस तरह की है पार्टी के अंदर, गहमा गहमी तो शुरू हो चुकी है और नगर के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हैं। नगर के अंदर चर्चाएं हैं कि नीरज अग्रवाल जी का नाम पहली फहरिस्त में है, नीरज अग्रवाल जी अब की बार एक नया गुल खिलाएंगे, तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं क्या ये हकीकत में बदल पाएंगी या फिर क्या चल रहा है? देखिए, चर्चाएं करना तो जनता का काम है जी, इसमें हम लोगों का नहीं है। और मैं भाग्यशाली हूँ अगर गंगू नगर की जनता हमारे बारे में सोचती है, उनका आशीर्वाद उनका प्यार ये हमारे लिए है। रही गुल खिलाने की बात, इस संगठन का काम है कि वो किसको टिकट दे, किसको लड़वाए। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने तो दरी भी बिछाई है, अब तो नहीं बिछती, हम लोगों ने दरी भी बिछाई है तब से पार्टी में है। पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्देश होंगे, जिसको पार्टी टिकट देगी उसको मजबूती के साथ इस बार जम के चुनाव लड़वाया जाएगा, इसमें कोई दो राय। जम के चुनाव लड़ा जाएगा। अग्रवाल जी, सभासद होते हुए अपने वार्ड में किस तरह से आपने विकास कार्य कराए, नगरवासी जानना चाहते हैं कि किस तरह का उनका जो है एक मॉडल है विकास कार्य का। देखिए मिजले भाई, मैं आपको बताऊं, जब नगर पालिका का चुनाव हुआ उससे पहले ही जिस वार्ड से मैं हूँ उसकी एक बस्ती है, उसका नाम है बुधविहार जी। उस टाइम वो बहुत मलिन बस्ती हुआ करती थी, गंदगी, जो इलेक्ट्रिक लाइंस थी वो बिल्कुल ज़मीन पे थी, पोल ना होना, ये सब चीज़ें वहाँ थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस टाइम के अपने विधायक प्रदीप जी का कि उन्होंने अपने विधायक निधि से उस वार्ड में इतना काम कराया कि वहाँ इंसुलेटेड वायर डले, 50-60 खंभे लगे और जो गंदगी भरी सड़कें थी उनको पूरी सीसी रोड बनवाई। मैं इसके लिए तो खास तौर से अपने प्रदीप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नगर पालिका ने वहाँ को काम नहीं कराया था उस टाइम, बल्कि मैं आपको एक संज्ञान करा दूँ, नगर पालिका की ओर से तो उस क्षेत्र के लोगों के वोट कटवाने का काम किया गया था पहले नगर पालिका चुनाव से। आपने वो भी लड़ाई लड़ी ना, ये जनता बताएगी हमने लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी। लेकिन एक बात और बता दूँ, अकेले के लड़ने से कभी कुछ नहीं होता, जनता साथ रही, वहाँ के लोग साथ रहे, तब वो लड़ाई जीती गई और उन लोगों को उनके वोटों का अधिकार मिला। इसके अलावा वाल्मीकि जो बस्ती आती है वहाँ भी आपने काम किया। अभी मैं आपको बुधविहार की बात बता दूँ, पहले बुधविहार में कुछ पाइपलाइन तो पहले डल गई थी, लेकिन सबके प्रयास से लगभग 1000 मीटर की पाइपलाइन का काम वहाँ शुरू हुआ है, जो उनके पेयजल की अच्छी व्यवस्था करेगा, क्योंकि बुधविहार के अंदर पानी की व्यवस्था पीने की बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ जगह लाइनें थी, लेकिन अब जो बकाया जगह थी, गलियां थी, उनमें भी पाइपलाइन मुकम्मल हो जाएगी, कार्य प्रगति की ओर है। वाल्मीकि बस्ती के अंदर अभी सीसी सड़कें बनी हैं जितनी थी, कुछ लाइटें लगी हैं। इसी तरह से मोहल्ला छत्ता है, उसके अंदर सबसे पहले इंटरलॉकिंग का काम हुआ, तो ये सब जनता के काम है। और मैं एक और बात बता दूँ, ये मैं नहीं कहता है काम हमने किए, जनता ने हमें जिस चीज़ के लिए चुना कम से कम उसमें खड़े उतरे, खड़ा उतरा जाए, यही मेरा ध्येय है। अगर आगे कुछ और मिला। नीरज जी, अक्सर क्या होता है जब चुनाव जीत लिए, जब चुनावी मैदान में आया जाता है तो उस वक्त जनता से बहुत सारे वादे किए जाते हैं और उसी उम्मीद के साथ जनता अपने प्रत्याशियों को चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन चुनने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों उस वादों पर, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा जाता? अब ये बात तो समझ में नहीं आती। आपने अभी मुझे कहा मैं कारोबारी व्यक्ति हूँ, आप सब जानते हैं मेरी दुकान है, दादी लाई मेरा काम है, आपने फिर भी काम को पूरा किया। आपके मन में कोई कल्पना होनी चाहिए और उसको साकार रूप देने का विश्वास आप में हो, तो ऐसा कोई काम नहीं है, नहीं हो, काम सब चलते हैं।
परिवार है, लंबा चौड़ा परिवार होता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। ऐसे मेरे परिवार ने मुझे थोड़ा समय दिया, कहा नहीं करो तुम ये काम, हम भी समाज सेवा में लग गए। नगर के अंदर क्या लगता है विकास कार्यों को लेकर किस तरह का जो है आपको नज़र आता है, जो होना ज़रूरी है नगर के अंदर, जिसकी आम आदमी जिसे दो चार होता है परेशानी होती है, जो होने चाहिए? अभी तो बहुत सारी कमी है नगर के अंदर। सबसे बड़ी कमी नगर के चारों कोनों पे शौचालय की है। हालांकि कुछ बने भी हैं लेकिन उनको वो रूप नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए। ये कस्बा है, इतना लंबा चौड़ा ग्रामीण क्षेत्र इसके चारों ओर लगता है, कितने हजार लोग रोज इस कस्बे के अंदर आते होंगे, माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं। अब सोच की कहाँ जाए सोच कर, आज भी इतना कुछ पैसा नगर पालिका ने बर्बाद कर दिया लेकिन एक सुचारू व्यवस्था वो इसके लिए नहीं दे पाए, जिसके लिए हम जैसे लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। जब वो हमारी दुकान पे, बगल की दुकान पे आके महिला कहती है भैया मुझे ज़रा सोच के लिए जाना, तो अगल बगल झांकनी पड़ती है। फिर भी मैं तो शहर के दुकानदारों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी दुकानों के अंदर शौचालय बनवाए हुए हैं। कम से कम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन जितने ज़रूरतमंद लोग उनसे मिलते हैं वो उनके लिए व्यवस्था करते हैं। एक बड़ी भारी शर्मिंदगी है कि नगर पालिका स्तर से हम लोग, नगर और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए कि वो सोच के लिए किसी शौचालय में जा सके। इसके अलावा ये साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? साफ सफाई की व्यवस्था का तो इसराइल भाई आप सब लोग जानते हैं शहर का क्या हाल है। ये आपसे भी जानना चाहते हैं, इतना भारी भरकम खर्च साफ सफाई व्यवस्था पे है, उसके बाद भी सफाई का व्यवस्था का हाल बहुत अच्छा नहीं है। हम दोष कर्मचारियों को देते हैं लेकिन उसमें दोष कर्मचारियों का नहीं है। संख्या कम, शहर बड़ा, संसाधन नगर पालिका के पास है, वो कर्मचारियों को मुहैया नहीं कराए जाते। डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, मुझे तो लगता नहीं उसको बहुत ज़्यादा लाभ लगा हो, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों के नाम पे जो फंड आए हुए हैं उनका जमकर माहौल उड़ाया गया और जमकर उनका मजा लूटा गया। नगरवासियों ने, जनता ने अगर कल चुना, संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से नीरज अग्रवाल को अगर कल मौका मिला, वो तो समय बताएगा, तो नीरज अग्रवाल जी का भविष्य का किस तरह का प्लान है, क्या मॉडल है आपका जो आप लागू करेंगे? हालांकि यहाँ फिर मैं बता दूं कि वो तो पार्टी और संगठन तय करेगा कि यहाँ पर कौन है, लेकिन अपना खुद का आपका क्या प्लान है? मैं तो अभी भी बोर्ड में बैठ के कभी कभी ये बात करता हूँ जी कि हमें ख्वाबी पुलाव नहीं पकाने चाहिए, धरातल पर उतर के काम करना चाहिए और एक टेक्निक के हिसाब से काम करना चाहिए। जब तक हम लोग टेक्निकल नहीं होने के, टेक्निकल व्यक्ति को नहीं बुलाने के, अपने शहर की व्यवस्था कैसे बने इसके लिए आप इंजीनियर्स नहीं बुलाने के, तब तक ये संभव नहीं है कि आप पानी की निकासी करा सको, आप पेयजल सही दे सको। अब आप पेयजल की स्थिति देखो, अभी मैं बताऊँ 4-5 दिन पहले दीपावली से ये जो नजूल है इतना गंदा पानी, वो मैंने वीडियो बनाई हुई भी है, वो तो मैं आपको दिखा दूँ। फिर हम लोग वहाँ गए, जब वो वीडियो फेसबुक पे शेयर करी लोगों ने, हम जैसे ही वहाँ पहुँचे पानी देख के दंग रह गए, अरे तुम लोग जीते कैसे हो भाई, ये पानी पीते कैसे हो? तब उन्होंने बताया कि हम तो 2 महीने से इस पानी को इस्तेमाल करने के मजबूर हैं और पीने के लिए पानी वो 200-250 मीटर दूर से लाते हैं। आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, खाली इस बात के लिए नहीं जो मैंने कह दिया वो ठीक है, लाल फीताशाही नहीं, समाज को सही दिशा हो, सही व्यक्तियों का चयन हो, सही टेक्निकल व्यक्ति आए वो इस काम को करे, ये नहीं कि टेंडर पास करे और लूट मचाई करी और अपने घर भर लिए, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है लूट मचाई करना। मैं बताता हूँ कितने बोरिंग शहर के अंदर है, आप देख सकते हैं, इतने बोरिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप पैमाना जनसंख्या का लगाएं तो उसकी जरूरत नहीं है, लगाने क्यों पड़े, हम अव्यवस्थित है ना, हम टेक्निकल नहीं है ना जी।
लूट मचाई नहीं तो और क्या होगा, क्या कहें हम इसको, हम बताओ क्या कहें। तो फिर भी सुविधा नहीं, चलो हमने कहा तुमने काम कर दिया, सुविधा तो लोगों को मुहैया तो हो वो चीज, फिर भी मुहैया नहीं तो क्या कहें। फिर विपक्ष में हैं आप, वहां पर आपने उठाते होंगे जब भी बोर्ड की मीटिंग होती होगी तो उसमें भी आप इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल करते हैं, मैंने तो कई चीजों का विरोध किया है। अब चूंकि हम भाई संख्या बल का मामला है, हम संख्या बल में कम है, हम अपना विरोधी तो दर्ज करा सकते हैं, वो किया हुआ है, अब जाके देखो बोर्ड की बैठकों में, हम ही लोग हैं सिर्फ जो वहाँ विरोध करते हैं, अदरवाइज कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं होता। अभी भी विरोध खालिद विरोध के लिए नहीं करते हम लोग, अभी भी पिछली बोर्ड की बैठक में ये पंप जो पुराने वाला है वो बड़ा पंप है, बड़ी सप्लाई का है, वो नगर पालिका पे ही है, तो ये बात हुई भाई नहीं चलो ये पंप खराब है इसको हम देख लेते हैं अगर ठीक होगा, नहीं तो एक नए पंप के लिए प्रस्ताव आप, हमने कहा सबसे ज़्यादा जरूरी है आप बोर्ड में रखो, नए पंप का भी प्रस्ताव कराओ, ये ठीक हो ठीक है, नहीं तो फिर बोर्ड की बैठक होगी तब प्रस्ताव होंगे, आप उसके लिए पहले से तैयारी करो। तो मेरा कहना है विरोध के लिए विरोध नहीं है, व्यवस्था अव्यवस्था का विरोध है। जहाँ विरोध की जरूरत थी वहां पर विरोध किया, जहाँ सहमति की जरूरत सहमति, बिल्कुल बिल्कुल, हम बोर्ड के अंदर विरोध के लिए विरोध नहीं करते। जनता को जो बोर्ड नगर पालिका से इच्छा है या जो जनता चाहती है उसको वो मिलना चाहिए। नीरज अग्रवाल जी को मौका मिला तो वो मिलेगा, उम्मीद करें नगरवासी, अगर कल जनता ने आपको मौका दिया, पार्टी ने आपको प्रमोट किया और पार्टी ने आपको मैदान में उतारा तो उन उम्मीदों पर उन वादों पर खरा उतरा जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जिस दुकान में बैठता हूं वो मेरी खानदानी दुकान है, 100 वर्ष से ऊपर की दुकान, मेरा मेरे परिवार का पेट वो दुकान बाखूबी भरती है, कोई शक नहीं, जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा वो देती है। अब तो अब भी जनता जानती होगी हम सभासद हैं, विपक्ष के नेता भी रहे, हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये बात मैं अपने पुरजोर अपने दिल से आपको बताता हूँ, 100% जनता के लिए होगा और जनता के लिए करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, बात बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन अभी माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा तो हम बीच बीच में चर्चा करेंगे। पार्टी की तरफ से नगर के अंदर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए किसको पार्टी यहाँ अपना जो है प्रत्याशी बनाएगी ये भी समय बताएगा, लेकिन ज़्यादा अगर बात करें नगर के अंदर चर्चाओं की अगर बात करें और विश्व सूत्रों से अगर जो जानकारी लें तो जिस तरह से नीरज अग्रवाल जी का नाम पहली फहरिस्त में है तो वो तो समय बताएगा कि यहाँ पर नाम किसका पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इनका एक मॉडल है अपना विकास कार्य को लेकर, अपने वार्ड को जिस तरह से इन्होंने बनाया सजाया और उसमें जो विकास कार्य थे अधूरे, जो अधूरे क्या जो नहीं थे वो इन्होंने कराए, और नगर के अंदर जिस तरह की सफाई व्यवस्था पानी की व्यवस्था को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी तो वाकई में एक जिम्मेदारी भरा कदम है, और जनता अगर कल मौका देगी तो कहीं ना कहीं इन वादों पर उन उम्मीदों पर जो जनता रखती है उस पर खरा उतरने का जो है पूरा इनके पास अपना एक खुद का प्लान है। तो पार्टी किसको यहाँ अपना प्रत्याशी चुनेगी, हमने सोचा आज उनसे भी एक नीरज अग्रवाल जी से एक चर्चा कर ली जाए। तो ये आपके सामने भी इस वक्त नीरज अग्रवाल जिन्होंने अपनी थोड़ा जीवन के बारे में बताया, पार्टी से बहुत पुराना नाता इनका है और इन्होंने कहा कि जन्म ही हमने जो है पार्टी के अंदर ही लिया है, जनसंघ के अंदर इन्होंने अच्छा खासा जो है अपना काम किया और आज पार्टी के अंदर कई अन्य पदों पर रहकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं, मौजूदा सभासद हैं। तो यहाँ पर किसका नाम होगा ये तो समय बताएगा। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए जनादेश टीवी इंडिया के लिए, नमस्कार।